वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसे राम मंदिर जब राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दी गई और इसकी काफी ज्यादा लंबी कहानी है। बाबर और उसका सेनापति मीर बाकी जिन्होंने मिलकर बाबरी बनाई, वैसे मीर बाकी को हुक्म भी बाबर ने ही दिया था। अब काफी सारा समय बीत गया लेकिन इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं आया और सभी हिंदू बस राम जी का इंतजार ही करते रह गए। लेकिन फिर 300 साल बाद विवाद दोबारा शुरू हुआ। अब इस विवाद से कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला और ऊपर से हमारे हनुमानगढ़ी मंदिर पर हमला कर दिया और परेशानियां हम हिंदुओं की बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर एक सूरज की किरणों की तरह हम हिंदुओं के लिए खुशखबरी आई और राम चबूतरा जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया और दोनों पक्षों को अलग अलग कर दिया गया। वैसे इसके बावजूद भी अभी तक राम मंदिर पर कोई भी फैसला नहीं आया था। लेकिन फिर साल 1885 में पहली बार विवाद कोर्ट पहुंचा और बस हर बार की तरह वही हुआ जो होना था। जज पंडित हरि किशन ने विवाद रद्द कर दिया। अब इसके बाद लड़ाई बढ़ती गई, विवाद बढ़ता गया और काफी सारे लोगों की जान भी गई। लेकिन फिर 1949 में बाबरी मस्जिद में हमारे रामलला की प्रतिमा मिली। लेकिन कोई भी मानने को तैयार ही नहीं था। बस सभी लोग ये बोल रहे थे कि हिंदुओं ने रात को चोरी छुपे से रामलला की प्रतिमा बाबरी मस्जिद के अंदर रख दी। बस फिर क्या है, वही हुआ जो होना था। 6 दिसंबर 1992 को हिंदुओं के द्वारा बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। अब जैसे जैसे साल बीतते जा रहे थे वैसे वैसे राम मंदिर की मांगे भी बढ़ती चली जा रही थी। अब राम मंदिर के लिए काफी सारे हिंदू लड़े, काफी सारे लोगों की जान भी गई। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा लीडर नहीं था जो कि इस काम को कर सके। बस फिर क्या है, 2014 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार आई और बस 5 साल बाद 2019 में सब हिंदुओं के लिए उम्मीद की किरण की तरह एक फैसला आया। पांच फरवरी 2020 में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया और अगस्त आते आते हमारा राम मंदिर बनना भी शुरू हो गया। एक राम मंदिर के लिए हम हिंदुओं ने कितनी मेहनत करी है, कितने लोगों ने कष्ट झेला, यहाँ तक कि कितनों की जान भी चली गई और हमारे प्रभु राम ने लगभग 500 साल तक का इंतजार किया है और ये हम हिंदुओं की सबसे बड़ी जीत है। तो ये हमारा फर्ज होता है कि हम 22 जनवरी 2024 को धूमधाम से मनाएं क्योंकि उस दिन हमारे प्रभु राम आ रहे हैं। प्रभु आ रहे हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसे राम मंदिर का गाइस सब लोग प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम लोगों ने भी अपने बाहर वाले मंदिर में प्रोग्राम रखा हुआ है तो उसी डेकोरेशन के लिए हम लोग सामान लेने जा रहे हैं। तो आप व्लॉग में मेरे बने रहना, पूरा जर्नी देखना कि कैसे क्या हम लोग पूरा डेकोरेशन करने वाले हैं। तो थोड़ा सा यूनिक ट्राई करा मैंने बड़ा सा। हाँ, एक चीज़ और, हमारे भाई सबसे बड़ी मूर्ति का उद्घाटन भी हो सकता है राम मंदिर वाले दिन। अभी हमारे ये बाहर मंदिर पे है तो वो ग्वालियर में सबसे बड़ी मूर्ति होने वाली है हनुमान जी की, तो हम उसको भी दिखाने वाले हैं। तो मैं चलो, वो बाहर है हमारे घर के। पहले झंडे लेके आए थे हम बाबा जी के और इसको लगाने का है, ये रहे कुछ इस प्रकार से। तो ये लगाएंगे सारे अपने घर की रेलिंग्स पर, इधर उधर सब जगह लगाने वाला। तो शहर हो जाते हैं जैसे घर से बाहर निकलने से, देख सकते जन्नत के शहर और अपने धनों से जाने। पत्थर तो लड़ाई हो रही थी। ये हमारे हनुमान जी की मूर्ति ग्वालियर की सबसे बड़ी मूर्ति होने वाली है। इसका उद्घाटन मेरे ख्याल से 9 दुर्गों में हो जाएगा, बट कल इसको भी डेकोरेशन करने वाले हम सारी की सारी चीजें। और ये मंदिर लगा रहे हैं, ये मंदिर भी गाइस हमारा डेकोरेशन लगा रहा है। आज पूरा शाम तक पूरा का पूरा डन कर देंगे, फूल वगैरह माला से बढ़िया तरीके से कर देंगे। तो कमेंट लगा आपको जय श्री राम, मेरे को इतनी बड़ी चीज़ दिखा दी मैंने आपको यार, अब तो लिखी दो और इससे अच्छा क्या दिखाने वाले हैं आपको। बस समझ गया, अभी तो काम चल रहा है, बाकी लोकेशन में डाल दूंगा तो कभी किसी को विजिट करना हो या आराम से देख सकता है इसे। गाइस मान लो अट्टी लोग गाड़ी में ड्राइवर ही नहीं है, मेट्रो वाले नहीं रहा, कौन नहीं रहा जो भाई ने जान दी का डिस्काउंट कौन देगा अपन को, इतने पैसे भी नहीं लाया अपन। बिक्की ज़्यादा भाई रहे ना, बिक्की ज़्यादा वो गिरवी रखना पड़ेगा गाइस, फिर भी नहीं हो पाएगा डिस्काउंट, फिर भी नहीं दे पाएंगे। डिस्काउंट कुर्ते का कपड़ा नहीं है, कुर्ते
उतरना पड़ेगा, रुकना अच्छी तरीके से ज्यादा बड़ी शॉप पर लगता है सारा होने वाली है। जेब डीली नहीं करा दे निक्कू, निक्कू को गिरवी रख के जाऊंगा फिर मैं, ठीक है निक्कू जिले में। लगेगा तो अच्छा, तो कोटी वाले ₹1260 का पजामा इसमें लकड़ी गोल्डन आया होगा तो बहुत बढ़िया व्हाइट की जगह गोल्डन ही आया है, बहुत बढ़िया निकला गोल्डन ही निकला नहीं व्हाइट से ज्यादा पहले पहनने के लिए बताना कमेंट करके कैसा लगेगा उसी दिन माल आएगी, तो फिटिंग कराना पड़ेगी इसकी, और कुछ लेना है और ये आतिशबाजी ले रहे हैं 22 तारीख को चलाने के लिए, और ये आतिशबाजी लिया अपन ने चलाने को बहुत है वैसे तो भाई, और अभी ले जाते रहेंगे, मन तो भरता नहीं है हमारा, तीसरा आदमी है, ठीक है तो और ले जाते रहेंगे अभी, कल का दिन हो रहा है अभी और भी चीज़ें लेते हैं, तो बने रहना वीडियो में, अब जा रहे हैं हम राम जी की मूर्ति लेने जिसकी गाइस हम अपने मंदिर में स्थापना करने वाले हैं, किसी दुकान में जाते ना मम्मी के साथ जाते तो कब ले लेते, अब तो छोड़ दो बात गाइस, हम बड़े हो चुके सिर्फ अपने लिए मम्मी के लिए बस नहीं, अपने लिए सिर्फ बड़े हुए, मम्मी के लिए आज भी छोड़ दें हम, मेरे दो लफ्फड़ बड़े लम्बी नीचे चाट कर देने, ये वाली मूर्ति फाइनल ली है मंदिर के लिए हमारे, ये बड़ी सी नीचे तैयारी के साथ राम मंदिर की तैयारी चल रही है, छोटी छोटी सी लिया है छोटी भाई ने लिए दुकान के लिए, अब हो रही है भीड़ पहले नहीं थी, क्रेजी ब्लॉग जाते हुए शॉपिंग करते हुए गाइस, ये हमारा झंडा, ये हमारे राम जी, तो बस इनका वहाँ मंदिर पर अपन को वो करना उद्घाटन करना है, कोशिश तो ये है, राम जी दिख रहे हैं हमारे, चलो सही लगी ठीक है, तो गाइस फिट डन, अरे जो हॉल में रखी है सब, तो गाइस मंदिर डेकोरेशन चल रहा है अभी, और ये मूर्ति हमारी रेडी हो रही है कितनी बढ़िया तरीके से।
नेक्स्ट डे भंडारे का आयोजन चल रहा है। भंडारे का हमारा बिक्की दादा नहीं नहीं बिल्कुल बिक्की दादा कुछ कहना चाहोगे? कैसा लग रहा है आपको ठंडा? बढ़िया चाबी ठीक है अब ट्रेजेडी हो गई अब वो कुछ काम का नहीं है। एक पेटी डीजे की पेटी लेने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखो उठा दे क्या देखा तो विक्की दादा पलटा तो आज नहीं बिटके ही जी मेरे हमारे सब्सक्राइबर छोटे छोटे हैं तो आए क्यों अब बोल के नहीं रहा तुम अब फिर क्यों तो हेलो आए तो बोलो अब शादी में आ गए तुझे ये शर्मा चुके हैं क्यों तो ऐसे क्यों शर्मा रहे हो? टॉफी है नहीं तो मैं टॉफी देता भाई कहाँ से लेके आया टॉफी क्या हमारा साउंड स्पीकर जो भी क्या काम पकड़ अब अन्नी पकड़ जो और कर्मचारी आते हुए वे निक्कू सिम्मी इस पर छोड़ देना सीधे ले आगा अकेले उठा के निक्कू कोई फीलिंग आ रही है साउंड स्पीकर वाली एन आर्मी ब्लॉक रेस्लर क्यों ऐसी कुछ गाजी देखो ले गाय भी सलमान खान के नाम से आईडी है क्या निक्कू दादा अच्छा देख रहे हो आज के जमाने में कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं इनको फॉलो करो क्या करो तो मैं फॉलो करूंगा तुम्हारी आगे सलमान खान है जी देखो इसी पे बैठ जा बैठ तो लेट के यहां पर लेट जा गिरे आएंगे फिर अरे माला बंद ओ भाई यहां पे क्या हो रहा है गाय ऑटो फंस गई आया तो भी नहीं छोड़ रहा है तो निको कुछ कहना चाहोगे? हाँ बोलो बोलो दिक्कत में और आपके ब्लॉगर मैं ले रहा हमारे तो गाइस जो है हम तो बस देख सकते हो ब्लॉगिंग के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है गाइस गाइस हम तो क्या कुछ कहना चाहोगे? सेफली ले आए हम उसको बीच में सिमी दादा जी क्या बोलते हैं तो अभी छूट गई थी गाइस जो पूरी देखो मंदिर की डेकोरेशन वगैरह सब रेडी चल रही है तो गाइस अपन को थोड़ा मेहनत वाला काम मिल गया है अरे क्या बोलते बड़ा जो डीजे रेडी हो गया ठीक है आउटफिट देख सकते हो बढ़िया लगा कमेंट में कर दो कैसा आउटफिट लग रहा है मेरा थोड़ी आवाज नहीं आ रही होगी डीजे चल रहा है आउटफिट लगा दो कैसा है और सारी डेकोरेशन हो चुकी है गाइस रंगोली नहीं हो जाए तो बढ़िया देखो गाइस डेकोरेशन बढ़िया कर दिया मेरा मंदिर एक तंबा हो चुका है और आप लोगों की भी थोड़ी देर में यात्रा निकलने वाली है विक्की दादा लगा दो विक्की दादा मारा आ गया देखो गाइस विक्की दादा जा रहे हैं बस ये था सब लोग भंडारी तैयारी करने भिड़े हुए हैं हमारे दीपक भैया अंकित भैया सब बढ़िया तरीके से फुल सेट है भाई मामला और ये भाई हमारा तुम कहते हो कौन बना रहा है वीडियो ये बनाता है दियो भाई ले चलता है ये भी दिखा दे भाई देखो बढ़िया भी एक कितने दिए रखे हैं बनने 108 दिए हैं गाइस 108 मतलब अप्रोक्स जो है 1000 से 500 दिए के बीच में जो लाने के लिए रखा हुआ है हमने अभी चल जाएगा जब दिखाने वाले हैं और हमारी मतलब गाड़ी तैयारी चल रही है और ये रहा भंडारे की पूरी पूरी सब्जी बनाई है कितना मसाला डाला तुमने
और जो हमारे कोई भी कॉन्टेक्ट करना हो किसी भी हवन के लिए सामग्री के लिए तुम्हारे पंडित से कॉन्टेक्ट करो। सारी सामग्री भी तो कराते हैं, कैमरा शायद कोई ना इनको भी ले आएंगे कैमरे के सामने। आप आठ ठीक है जो भाई देख रहे हो क्या कर रहे हैं ये पनौती। बिल्कुल सही बैठी है और क्या क्या? अरे वो तो सब कर देंगे सिस्टम क्या दे दूंगा हमको अब ध्यान कर ले प्रसाद को। वो दादा उड़ गई हमारी प्लेट यार लाए लाए कहते लाई जो बंदा वो है तो अपनी वीडियो बनाता है मेन किरदार यही है अपना सारी की सारी वीडियो शेयर करते सूट होती है खाना चाहेंगे खाना जाओगे वही हालत खराब हो गई है लंच को देखो कहते पैक करके ले जा रहे छुपारा छुपारा है कोई ना चलता है। The next day, सीन देखो ये लोग अब कदा काई से बनाने वाले ये सब्जी रात को बुढ़ी खत्म हो गई थी तो गाइस अब इससे बुढ़ी खाएंगे हम लोग क्योंकि वेस्ट तो कर नहीं सकते तो अब इसी से खाना पड़ेगी इससे खाना पड़ेगी क्योंकि वेस्ट तो कर नहीं सकते ना इससे खाएंगे हम लोग। और नीकू कैसा टेस्ट आएगा ये बताओ ये अपन पहली बार ट्राई कर रहे हैं भाई अच्छा ही आएगा टेस्ट यार आप भी आओगे तो ज्वाइन हो रहे हो पार्टी में हमारी चलो पकड़ लिया साड़ो पकड़ आ रही है भाई साहब भाई से देखो ये गरम वाली निकू ने देखो वही हमारा ये सब हम ठीक है तो आज भाई फोटो लगा ब्लॉग में हमारी तो भाई हमारी पुरानी फोटो थी अगर निकू भाई की कैसी लग रही है तो आज भाई के